नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के ईमानदार करदाताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और जिसमें पारदर्शी कराधान और ईमानदार का सम्मान इसका नाम दिया गया है। इसके तहत 3 रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसे फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस अपील के ये रिफॉर्म है। और क्या कुछ इसकी खासियत है, इन सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये क्या है और इसका अब क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? आकाश जी, जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक नया टैक्स पेयर के लिए प्लेटफॉर्म दिया है, उन्हें सम्मान देने की बात की गई है, ये यदि ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा जी। लेकिन मैंने पहले भी एक आध बार कहा था कि सरकार जो कहती है वैसा होता नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो टैक्स पेयर हैं उनको सम्मान करेंगे और उनके लिए कुछ अलग सुविधाएं देंगे जिससे उनकी परेशानी कम हो, लेकिन हम जो भी कानून बनाते हैं उसमें व्यापारियों के लिए जो टैक्स देते हैं उनके लिए इतनी सारी शर्तें लाद देते हैं और उनका मनमाना उपयोग करने का अधिकार टैक्स ऑफिसर को दे देते हैं, तो इसमें जो पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार बढ़ते ही चला जा रहा है, और यदि आयकर अधिकारी या जो भी टैक्सेशन अधिकारी है यदि उन्हें उनके मनमाफिक पैसे नहीं मिलते हैं तो वो ज़्यादा कर आरोपित कर देते हैं और असेसी को परेशान करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी बन गई है कि हमें बिना ऊपर का पैसा दिए अधिकारी को हमारा केस नहीं होगा, तो इससे टैक्स चोरी की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, सरकार के खजाने में कम टैक्स जाता है और अधिकारियों की जेब में टैक्स ज़्यादा, मतलब रिश्वत की रकम ज़्यादा जाती है। आज जो मोदी जी ने किया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वास्तव में एम्प्लीमेंट हो तब तो उस पर बात की जा सकती है, अन्यथा पिछले 6 सालों में इनकम टैक्स और आयकर प्रवर्तन निदेशालय ने जो छापे डाले हैं और जो जाँच की है वो इसके पूर्ववर्ती सरकारों में कभी नहीं हुई। तो कहना और करना, इन दोनों चीज़ों में फर्क है जी। अभी जैसे GST कानून लाया, वो भी टैक्सेशन का कानून है जी, आयकर भी कानून है जी, लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी के बाद और GST में लगभग हर दिन विभाग ने एक एक नए नए नियम जारी किए, तो अब जब नियम की जटिलता होगी तो कैसे काम कर पाएंगे कि किसी को कोई नियम ही नहीं मालूम, आयकर अधिकारी को भी नहीं मालूम, GST अधिकारी को भी नहीं मालूम, व्यापारी को भी नहीं मालूम, CA को भी नहीं मालूम। तो जो अपनी मर्जी से काम करता है और फिर वो जो मर्जी से असेसमेंट करना चाहता है, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और टैक्स पेयर का बहुत सारा पैसा रिश्वत में चला जाता है, सरकारी खजाने में नहीं जाता है। अब ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि वो इसे केवल एक ब्रांड सिंबल बनाएंगे कि हमने सरलीकरण कर दिया है, लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, हम सम्मानित करेंगे। कहने सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन यदि इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपर हो, जैसे व्यापारी जिम्मेदार है, वैसे जिस व्यक्ति ने टैक्सेशन मतलब लगाया है और कोई कर निर्धारण पास किया है तो उसके लिए उसे भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। यदि ये जिम्मेदारी दोनों पक्षों पर होगी तो शायद हमारा टैक्सेशन सिस्टम सुधरेगा, सरकार की आय भी बढ़ेगी। सर, जिस तरीके से यहाँ पे करा गया है कि ईमानदार टैक्स पेयर का सम्मान करेंगे, सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो आपको लगता है कि सम्मान करने से और ज़्यादा करदाता सामने निकल के आएंगे? नहीं, देखिए, सम्मान की जहाँ तक बात है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं वो सम्मान की उन्हें बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है। और सम्मान क्या होता है, यदि हम सरकार के साथ जुड़ के उनके या पूरी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सम्मान मिलना ही चाहिए। अंग्रेजों के ज़माने में जो इनकम टैक्स पे ही होते थे, यदि वो किसी कारणवश जेल भी जाते थे तो उन्हें भी फर्स्ट क्लास का दर्जा मिलता था, उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिलती थी। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है, यदि आप आयकर दाता हैं, कोई टैक्स जमा करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स के अधिकारी जो हैं, एक इंस्पेक्टर और चपरासी भी आता है, वो आपको धमका के चला जाता है, तो ऐसे तो सम्मान नहीं होगा ना। और सम्मान का मतलब, अभी आपने जैसे ऑनलाइन योजनाएं भी लागू करी, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले कई सालों से ऑनलाइन भरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ड कॉपी भी वहां जब तक आप जमा नहीं करोगे तब तक असेसमेंट नहीं होता है। असेसमेंट के लिए लोगों को किसी न किसी कारण से बुला लिया जाता है। तो पहले भी नियम कायदे कानून हैं,
लेकिन उनका पालन नहीं होता है, ये बड़ी तकलीफ की बात है भारत के लिए विशेष तौर पर। सर, ऐसा होता है कि टैक्स अधिकारी करदाताओं के असेसमेंट के दौरान जो मनमाना टैक्स आरोपित करते थे, तो क्या इस नई योजना के तहत उसको रोक मिलेगी, कुछ पारदर्शिता निकल के सामने आएगी? नहीं, ये जो है ये और खराब है। हम एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, उस सॉफ्टवेयर में जानकारी भर देते हैं, तो उसमें दोनों ही पक्ष अंधेरे में रहते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी के जानकार होते हैं वो अपनी जानकारी इस तरीके से देते हैं कि वो बच भी जाए, सामने भी नहीं आए। तो इससे एक मशीनीकृत प्रक्रिया हो गई, लेकिन इस मशीनीकृत प्रक्रिया का भी बहुत ज़्यादा लाभ तब तक नहीं होता है जब तक कि नैतिकता ना हो। ये अधिकारियों में भी नैतिकता होनी चाहिए और जो टैक्स दे रहे हैं उनमें भी नैतिकता होनी चाहिए। तो अभी नैतिकता का स्थान भारत में लगभग जीरो पे पहुंच गया है। हर आदमी सोचता है कि हमें कम से कम टैक्स देना हो, और यदि हमें अधिकारियों को पैसे तो देने ही पड़ते हैं, राजनेताओं को पैसे देने ही पड़ते हैं, तो हम उनके लिए एक अलग से कोई व्यवस्था बना के रखें, तो वो गड़बड़ी की ओर इंगित होते हैं। और जो मशीनीकरण हो रहा है कि आप ऑनलाइन सारे काम कर दीजिए, ऑनलाइन भर दीजिए, ऑनलाइन आपका असेसमेंट हो जाएगा, तो वो जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर काम करेगा तो जो आपने सॉफ्टवेयर में भर दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो वो आपकी रिटर्न पास कर देगा, आपका असेसमेंट ऑर्डर कर देगा, आपके टैक्स की कैलकुलेशन कर लेगा। लेकिन इससे आप टैक्स चोरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है, और जो मशीन में भरा जाएगा परिणाम भी वैसे आएंगे। तो इसका कोई बहुत विश्वसनीय प्रणाली नहीं है, और जब तक ये दोनों तरफ से व्यवस्था ना सुधरे तब तक इसके कोई बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। अच्छा, तो जिस तरीके से तीन रिफॉर्म दिया गया इस प्लेटफॉर्म के, जो तीन रिफॉर्म लिए हैं, फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस अपील, तो फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर तो पहले से चला आ रहा है, और अब जो तीसरा है फेसलेस अपील, ये भी अब कुछ दिनों बाद चालू हो जाएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि तीनों एक्चुअली रिफॉर्म है क्या और किस तरीके से काम करेंगे। फेसलेस असेसमेंट का मतलब है कि आपको टैक्सेशन अधिकारी बुलाएगा नहीं, और आपने जो रिटर्न भरी है, जो आपने दस्तावेज भरे हैं, उसी के आधार पर वो असेसमेंट करेंगे जी। लेकिन फिर बाद में स्कूटनी के नाम से कि भाई स्कूटनी में हम 5% केस लेंगे उनको हम बुलाएंगे, या जिनका कोई संदिग्ध लेन देन होगा हम उनको बुला लेंगे, फिर अधिकारियों की इस मामले में मनमानी शुरू हो जाती है और वो लोगों को बुलाने लगते हैं। आज भी जो फेसलेस अपन कह रहे हैं कि भाई आपको हमारे पास नहीं आना है, आपकी रिटर्न आपने भरी एज पर नाम से, यदि वो सॉफ्टवेयर के जो भी नाम से बने हैं उसी के अनुसार भरी है, और वो आपकी जो पिछले आपने खर्चे किए, अब तो और आगे बढ़ के आ गए कि यदि आपने कहीं भी किसी बैंक में पैसा जमा किया है, कहीं आपने कोई खर्चा किया है, तो वो भी आपको रिटर्न में जानकारी देनी पड़ेगी। तो यदि वो जानकारी मैच कर गई तो आपका असेसमेंट हो जाएगा, मैच नहीं करेगी तो आपसे ऑनलाइन पूछा जा सकता है और जरूरत पड़ने पे आपको बुलाया भी जा सकता है। तो बहुत हद तक तो चलो ठीक है कि ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन भारत में समस्या ये है कि अभी मैंने जाके होटल में 700 रुपए का खाना खाया और मान लो वो मैं लिखना भूल गया या मेरे हिसाब में नहीं है, तो वो फिर एक जटिलता हो गई। उसके कारण फिर जो टैक्सेशन अधिकारी हैं या जो सरकार की तरफ से असेसमेंट होना चाहिए वो हमारा फिर कहीं ना कहीं व्यवधान हो जाता है, और उसके लिए हमारी वो जवाबदारी बढ़ जाती है। तो अभी हम इसमें शुरुआती स्टेज में हैं, तो अभी पब्लिक में इतने सारे परिवर्तन सरकार ने एक साथ कर दिए हैं कि ये जो टैक्स जमा करने वाले लोग हैं वो भी उसके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे आधार कार्ड से हमने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है, सारे बैंकों को हमने आधार कार्ड से जोड़ दिया है, कोई भी लेन देन होता है वो सब हम उसकी जानकारी उसमें देते हैं। तो अभी एक नया रिटर्न फॉर्म आया है आयकर का, ऐसे जीएसटी में भी रोजाना कुछ ना कुछ बदलता रहता है, तो अब वो इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में वो कैसे होगा ये अभी देखना होगा। दूसरी चीज़, जैसे टैक्स पेयर चार्टर के जरिए जो करदाताओं की जो परेशानी कम करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है, उस पर अधिकारियों की क्या जवाबदेही भी तय होगी, कैसे तय होगी, इससे पूछूंगा। देखिए, सरकार क्या करती है कि व्यापारी को उसने ये मान लिया कि जो हम प्रोविजन करते हैं वो व्यापारी कर ही देगा, जबकि व्यापारी के पास ऐसा कोई मानदंड नहीं होता है कि वो उन सारी चीज़ों को, वो एक्ट का जानकार नहीं होता है, वो जो समय समय पे नियम बदले उनका जानकार नहीं होता है। हमारे यहाँ नियम आए गए दिन बदल दिए जाते हैं, गाइडलाइंस बदल जाती हैं, अब इसकी जानकारी एसएससी को नहीं होती है, कई बार ये जानकारी सीए को भी नहीं होती है कि उसमें एक सर्कुलर 2 महीने पहले जारी हुआ था
उसके अगेंस्ट में फिर दो सर्कुलर और नए जारी हो गए, तो अब उसमें सॉफ्टवेयर में क्या मेंटेन किया क्या नहीं किया, तो इससे अभी सारी चीज़ें कि जब तक हम अपने टैक्सेशन सॉफ्टवेयर को दो चार साल तक चला नहीं लें और उससे लोग यूज टू नहीं हो जाएं कि हाँ भाई ये हमारे प्रोविजन है और सरकार बार बार प्रोविजन नहीं बदले, तब जाके ये स्थिति में हम आएंगे कि दो साल बाद तीन साल बाद जो सरकार आज सोचती है वो हम सही मायने में उसको वहाँ पे ला पाएंगे। सर, फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर तो अभी ऑलरेडी चल रहा है, अभी एक नया चीज़ आया फेसलेस अपील जो कुछ दिनों में चालू होगा रिफॉर्म, तो ये एक्चुअली है क्या? देखिए, अभी जो कोरोना संक्रमण आया और पिछले पाँच महीने लगभग वो पाँच महीने होने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या कोर्टों में सब ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, तो सरकार ने एक प्रयोग टैक्सेशन के क्षेत्र में भी किया है कि यदि आप असेसमेंट अधिकारी के किसी निर्णय से व्यथित हैं तो आप ऑनलाइन जो है आप अपनी अपील कर दीजिए और उसकी ऑनलाइन ही सुनवाई होगी, तो असेसी को वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा और ट्रिब्यूनल में जाने के लिए या अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए अब आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो भी माध्यम है उनसे जुड़ के और अपनी बात कह सकते हैं, तो एक अच्छी प्रक्रिया है कि लोगों का समय बचेगा। लेकिन इसमें इसका उपयोग मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कितना हो पाएगा, अभी भी कई जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, कई जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिग्नल्स बार बार आते हैं जाते हैं, तो इसमें कितना हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये शुरुआत अच्छी है लेकिन इंतजार करना होगा। एक और यहाँ पे एक मुख्य मेरा जो सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 1500 कानून लगभग अभी तक खत्म कर चुके हैं, तो ये जो खत्म हो चुके हैं कानून से क्या जनता कुछ राहत मिली है? देखिए, वो ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे और विकास के दौर में उनका कोई महत्व भी नहीं रह गया था, सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी थी, तो वो कागजी कानून हो गए थे कि जो चीजें हो ही नहीं रही हैं लेकिन कानून बना हुआ था। तो 1500 कानून उन्होंने हटाए, स्वागत योग्य है कि कहीं कहीं कोई एक आध कानून दो कानून ऐसे होते थे जिनमें बड़ी वो बनी रहती थी नए कानून और पुराने कानून के बीच में या नियमों में थोड़ा सा कहीं जटिलताएं आती थी, लेकिन अभी जो भारत सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं ये बहुत खराब कर रही हैं। पहले टैक्सेशन के मामले में कोई भी संशोधन होते थे वो साल में एक बार होते थे बजट सत्र के दौरान जी, लेकिन अब तो ये होता है कि हर दिन दो दिन चार दिन छह दिन आठ दिन में बार बार नए नए नियम बदलवाए मतलब बदल दिए जाते हैं, तो ये जो साल भर में एक बार होता था वो सबको पता होता था, सबके ध्यान में आता था और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होता था। लेकिन जीएसटी और आयकर में पिछले छह सालों की बात करें तो इसमें सर्कुलर की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, बार बार नियमों को बदल देना, नए नए नियम लागू कर देना, नए नए सॉफ्टवेयर बना देना, उनकी कार्यप्रणाली बदल देना, तो इससे व्यापारी और करदाता बहुत परेशान है और इससे वो निजात चाहता है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी, जिन्होंने बताया कि जो प्लेटफॉर्म है रिफॉर्म के जो प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार ने जारी किए हैं ये स्वागत योग्य है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत परेशानी होगी और व्यवसायियों के लिए समझना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ये उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाला है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, नमस्कार।